कहता रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री हैं राहुल गांधी जी, बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के। राम मंदिर हमारा सौभाग्य है। ममता बनर्जी फायर ब्रांड। केजरीवाल उनका उज्जवल भविष्य है। योगी आदित्यनाथ जिद्दी हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव देश की जनता जिसे चाहेगी उसे जिताएगी। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी एक शरीफ आदमी हूँ, बड़ा सीधा सा और सबको प्रेम करता हूँ। जो लोग मुझे गाली देते हैं मैं उनके भी कल्याण की कामना। कट्टर कांग्रेसी आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिनकी गिनती ऐसे नेताओं में होती है जो सही को सही और गलत को गलत बोलने से कतराते नहीं है। आचार्य जी अध्यात्म की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं और भारतीय राजनीति में भी फुल एक्टिव रहते हैं। डे वन से प्रियंका गांधी को विपक्ष का चेहरा बनाने की वकालत कर रहे हैं और आज जब विपक्षी एकता का नामकरण हुआ, 26 दलों के गठबंधन ने खुद को इंडिया बताया, तो आचार्य जी खुद को ये कहने से रोक नहीं पाए मोदी के खिलाफ ये तो बिना दूल्हे की बारात है। कई ऐसे मौके आए जब कट्टर कांग्रेसी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मोदी की जमकर तारीफ की। एक बार फिर मोदी का लोहा मान चुके आचार्य जी ये तक कह गए कि विपक्ष की एकता में नहीं है मोदी को हराने का दम। मौजूदा हालातों को देखते हुए हिंदू राष्ट्र और लोकसभा चुनाव पर, मुसलमानों और मंदिर नीति पर, कांग्रेस और पीएम मोदी पर धाकड़ तरीके से क्या बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा और आज मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। आचार्य जी आपका स्वागत है। धन्यवाद कविता जी। समाज में इनकी अपनी एक अनूठी पहचान है बतौर कांग्रेसी नेता, समाज सेवी और साथ में स्पिरिचुअल गुरु भी, और इसी के साथ साथ कल की पीठ के आप पीठाधीश्वर भी हैं और धर्म से जुड़े हैं, आपकी एक धार्मिक प्रवृत्ति पहचान भी है समाज में। मैं आचार्य जी आपसे बस ये जानना चाहती हूँ, धर्म आज के टाइम पे, धर्म उत्थान के इस दौर में हिंदुत्व से विदेशी लोग जुड़ रहे हैं, जगह जगह सऊदी अरब में जगह जगह हिंदू मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है। एक तरफ लोग विदेशी लोग हिंदुत्व की आध्यात्मिक दुनिया से जुड़े, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप में कुरान जलाई जा रही है। यूरोप के जो लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो इस्लाम का कट्टर विरोध कर रहे, इस्लामिक सोच का कट्टर विरोध कर रहे हैं। और अभी हाल ही में स्वीडन में भी ये देखा गया। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक तरफ हिंदुत्व का दायरा बढ़ रहा है, हिंदुत्व को लोग पूछ रहे हैं, अपना रहे हैं, दूसरी तरफ इस्लाम के खिलाफ इतना विरोध क्यों हो रहा है इस दुनिया में, अब यूरोप से ये जो शुरू हुआ है ये सब कुछ? देखिए कविता जी, पहली बात ये है कि जो हमारा धर्म है सनातन धर्म है, तो इसको समझना ज़रूरी है कि है क्या। हम लोग रोज़ सनातन की बात करते हैं, जो सत्य है वही शाश्वत है और जो शाश्वत है वही सनातन है। सनातन धर्म विराटता का नाम सनातन है, विशालता का नाम सनातन है। हमारे यहाँ संकीर्णता को धर्म नहीं समझा गया है। जो फैनेटिज्म है, किसी भी तरह का फैनेटिज्म सेपरेटिज्म को जन्म देता है और सेपरेटिज्म टेररिज्म में तब्दील हो जाता है। तो हमारे यहाँ भगवान को क्या कहा गया? करुणा निधान, दया का सागर, दीन बंधु, भगवान को ये कहा गया। परमात्मा को कहा गया परमात्मा सबका है, सब परमात्मा के हैं। ईसा वात्स्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत, यहाँ से शुरू होती है यात्रा। और हमारी प्रार्थना क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी कि सबका भला करो भगवान, सबका कल्याण करो, सब पर कृपा करो। हमने ये नहीं कहा सिर्फ मेरा भला करो। तो जो धर्म उदार है, जो धर्म सबके कल्याण की कामना करता है, जो धर्म सबसे प्रेम और सद्भावना का भाव पैदा करता है, जो धर्म वसुधैव कुटुंबकम की उद्घोषणा करता है, जो धर्म विश्व बंधुत्व का सूत्र देता है, जो धर्म कहता है अहिंसा परमो धर्म, ये सनातन है।
जो धर्म कहता है कि सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। जो धर्म कहता है कि सत्य सार्थक सर्वदा, जो धर्म कहता है सत्यमेव जयते, तो ये सनातन है। तो सनातन आज पूरे विश्व में फैल रहा ऐसा नहीं है। विवेकानंद जी ने शिकागो में जब अपना उद्बोधन दिया था तो यही था जो मैं बोल रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले जो गीता में उद्घोष किया महाभारत में, वो यही था। रामचरितमानस, रामायण, वेद, पुराण, उपनिषद, कितने ग्रंथ हैं हमारे, उनमें सब में यही सूत्र सिद्धांत हैं कि कैसे जीवन को सुखी समृद्ध और आनंदित बनाया जाए, किसी को दूसरे को चोट न पहुंचाई जाए, हार्म ना किया जाए, ये सब हमारा धर्म सिखाता है। तो ये सनातन धर्म तो पूरी दुनिया का धर्म है। तो इसलिए मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि धर्म आज फैल रहा है, ये धर्म पहले से फैल चुका है। लोग सनातन का जीर्णोद्धार अब हो रहा है सऊदी अरब से लेकर जगह जगह। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। प्राचीन मंदिर नहीं, कविता जी सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कब हुआ? आदि शंकराचार्य हजारों साल पहले आकर के केरल से चले और चारों पीठों की स्थापना की आदि शंकराचार्य ने, जब तो हवाई जहाज भी नहीं थे शायद, जब तो रास्ते भी नहीं थे। तो धर्म का है, और वेद कब लिखे गए, उपनिषद की रचना कब हुई, श्रीमद् भागवत वेदव्यास ने कब लिखा, है ना। तो मुझे लगता है कि आज ऐसा नहीं हो रहा है। सनातन धर्म तो सदियों से है, क्योंकि ये आदिकाल से सनातन ही है सब। इसके बाद सनातन की दो शाखा हुई, एक निर्गुण एक सगुण। निर्गुण वो है जो कहते हैं, मानते हैं कि परमात्मा ना जन्म लेता है ना मरता है, परमात्मा के कोई शरीर नहीं, जिसको तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा, जिसने तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ी अच्छी व्याख्या की है, बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म किए विधि नाना। मतलब उसके हाथ नहीं है लेकिन सब काम करता है, उसके कान नहीं है सुनता है, है ना। अच्छा जी, क्या आप ये नहीं मानते कि पीएम मोदी जी की मंदिर नीति के चलते भारत को अब अपनी अपनी असल पहचान मिली है, मंदिरों का जीर्णोद्धार? आप देख लीजिए ना, काशी में जो है महाकाल लोक हो गया, केदारनाथ की पूरी तस्वीर बदल गई, दुबई में, सऊदी अरब में, मतलब गल्फ कंट्रीज में भी, यूरोप में जो मंदिरों का हो रहा है। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और उसको और पूरी दुनिया में फैलाने के लिए हर युग में काम हुआ है। लेकिन अगर आप वर्तमान परिदृश्य को देख के ऐसा कहना चाहते हैं और ऐसा सोचते हैं कि मोदी जी ने भी वो काम किया है, तो अच्छी बात है। पंडित नेहरू ने भी किया, पंडित नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे, सरदार पटेल होम मिनिस्टर थे, तो सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, जबकि सोमनाथ मंदिर को तो लूटा था महमूद गजनवी ने। ऐसे ही मैंने आपको ये दो चार उदाहरण दिए हैं, वृंदावन में इतने मंदिर हैं, उनकी स्थापना कब हुई, हरिद्वार में हजारों मंदिर हैं, ये तो सब 100-100 साल पुराने, 200 साल, 300 साल, 400 साल, तो कैसे बने? काशी के मंदिर कैसे बने? अयोध्या के मंदिर कैसे बने? तो सवाल इस बात का है कि किसी एक राजनेता को आप उसका श्रेय दें, मुझे लगता है वो थोड़ी सी बात उचित नहीं होगी। लेकिन श्रेय देने वाले तो यही कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश को देख के कांग्रेसी नेता मंदिर मंदिर जाते हैं। वो तो राजनीतिक सवाल है, मैं राजनीतिक विषय में नहीं आना चाहता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह, उन्होंने अयोध्या में जो राम मेला शुरू हुआ वो तो उनके समय में हुआ। अब इसको मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना नहीं चाहता। मैं मानता हूँ कि सनातन धर्म की दो शाखाएं हैं, एक निर्गुण एक सगुण। निर्गुण मानते हैं कि भगवान सबका है, परमात्मा सबका है, परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है, जो ऋग्वेद कहता है ना तस्य प्रतिमास्ति, उसकी कोई सूरत नहीं, उसकी कोई मूरत नहीं। लेकिन दूसरी शाखा है जो कहते हैं अवतारवाद की अवधारणा, कि परमात्मा की कोई सूरत नहीं है लेकिन सब सूरतों में वो है, यहाँ से सगुण भक्ति शुरू होती है। तो मुझे लगता है, अब जहाँ तक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि कहीं कुरान जलाई जा रही है, कहीं ऐसा हो रहा, मुझे लगता है किसी भी धार्मिक पुस्तक का अपमान करना ठीक नहीं है। यूरोप में अब एक यूरोपिया शब्द डिक्शनरी में आ गया है, जहाँ पे अब इस्लाम का कट्टर विरोध किया जा रहा है। मैं जानता हूँ इसके पीछे की वजह क्या, आखिरकार क्यों इस्लाम का लोग इस तरह से विरोध करें, उसकी कट्टरता का विरोध किया जा रहा है? देखिए, किसी भी एक अच्छाई के लिए या किसी भी एक बुराई के लिए किसी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एक धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी के विचार अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप उसका विरोध करिएगा।
लेकिन एक व्यक्ति के विचार अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे, किसी की धार्मिक पुस्तक, क्योंकि धार्मिक पुस्तकों से लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ जाती हैं, तो मैं किसी भी धर्म की किसी भी पुस्तक का अपमान करने को ठीक नहीं मानता, और किसी के द्वारा भी किया जाए, हमारी कोई गीता का अपमान करेगा हमें कितना कष्ट होगा। बिल्कुल, रामचरितमानस के खिलाफ जब एक दो नेताओं ने बोला तो हमें तो बड़ा बुरा लगा। अगर कोई रामायण का विरोध करेगा हमें कितना बुरा लगेगा। तो जहाँ हमारी धार्मिक आस्था है, उस आस्था से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती है। एज ए स्पिरिचुअल गुरु, आपको बहुत से लोग फॉलो करते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बीते 9 सालों में धार्मिक दृष्टि से आपको लगता है कि कुछ चेंजेस आया है भारत और भारत के बाहर? देखिए, आप बार बार फिर वहीं लाना चाहती हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि सनातन धर्म की वजह से बीजेपी नहीं है, बीजेपी की वजह से धर्म है, तो ये ठीक नहीं है। किसी एक बीजेपी का जन्म कब हुआ? 1980 में। बीजेपी की उत्पत्ति 1980 में, धर्मादिकाल से। तो भाजपा धर्म की वजह से है, धर्म भाजपा की वजह से नहीं है। धर्म कल भी था, धर्म आज भी है, धर्म कल भी रहेगा। सत्य कल भी सत्य था, आज भी सत्य है, कल भी सत्य रहेगा। तो अगर कोई राजनीतिक दल ये समझ बैठता है कि भगवान ही उसकी वजह से, तो उनका भगवान मालिक है। मैं ऐसा मानता हूँ कि राजनीतिक दलों की वजह से धर्म का अस्तित्व नहीं है। धर्म को राजनीतिक सत्ता पाने का हथियार बना लेना, ये उचित नहीं। यानी कि भाजपा धर्म से नहीं है, ये तो आपने मुझे बता दिया। नहीं, कि नहीं, भाजपा धर्म से है, धर्म भाजपा से नहीं है। से नहीं है, चलिए ये मैं समझ गई। लेकिन फिर क्यों भाजपा के लोग? नहीं, मैं तो कांग्रेस को भी कहता हूँ, कांग्रेस भी 125 साल पुरानी पार्टी है। कांग्रेस का कोई नेता कहता कि धर्म हमसे है, भारत हमसे है, तो ये भी गलत है। अब भाजपा वाले अगर भारत को भाजपा समझे तो ये उचित नहीं होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि धर्म का अस्तित्व किसी पार्टी से नहीं हो सकता है, लेकिन भाजपा के लोग आज जो कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, करोड़ों लाखों भक्तों का सपना साकार हो रहा है, आपका भी हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, लेकिन सवाल एक भाजपा की तरफ से जो प्रो मोदी लोग जो हैं वो ये अभी भी कह रहे हैं कि राम मंदिर का जो ये निर्माण हुआ है ये सिर्फ मोदी सरकार में ही हो सकता था, भाजपा में ही हो सकता था, कांग्रेस में या किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में ऐसा हो ही नहीं पाता कभी। नहीं, देखिए, अगर उनके क्या आपको भी ऐसा लगता है भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण हो, ये तो हमारा सपना रहा है, उन्हीं के कार्यकाल में हो सकता है, करोड़ों हिंदुओं का सपना था। कितने लोग हैं जो ये सपना देखते देखते मर गए जी। आज बड़ा शुभ दिन है, हम सबको बड़ा भाग्यशाली, हम अपने आप को समझते हैं कि भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण होते हुए हम देख रहे हैं, पूरा होते हुए देख रहे हैं। और ये उन बीजेपी का सौभाग्य समझो कि भाई उनके राज्य में हो रहा है, लेकिन अगर किसी और की सरकार भी होती तो ये मंदिर का निर्माण नहीं होता क्या? सोमनाथ के मंदिर का निर्माण तो पंडित नेहरू के समय में हुआ है, और बहुत से मंदिर हैं जिनके निर्माण पंडित नेहरू के समय में हुए। तो मुझे लगता है इसको इससे ना जोड़ा जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया तो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर के निर्माण पर सबको खुश होना चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। सभी नेताओं से मैं आग्रह करता हूँ कि रामलला का दर्शन करने जाइए, भगवान राम की कृपा और भगवान राम का दर्शन सबको आवश्यक है। राम इस लोक में भी जरूरी है और परलोक में भी जरूरी है, राम के बिना कोई काम नहीं बन सकता। राम का जीवन में भी और जीवन के बाद भी राम का बड़ा महत्व है, राम खुद में जीवन है। तो राम की कृपा, भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर राम अपनी कृपा करें, राम जी की कृपा बनी रहे। और मैं आपसे चाहूँगा, आप भी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। महात्मा गांधी इसीलिए तो अपनी हर सभा की शुरुआत करते थे, कांग्रेस से जाएंगे श्री राम जय जय राम, क्यों नहीं जाएंगे? क्या राम पूछते थे, क्या राम सिर्फ भाजपा के हैं? राम कांग्रेसियों के नहीं है? नहीं, राम नहीं, राम 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 समाजवादियों के नहीं है, राम ममता जी के नहीं है, राम उद्धव ठाकरे जी के नहीं है, राम तो सबके हैं, क्योंकि हम सब राम के हैं। वो है ना एक भजन, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं।
संत समाज से, खासकर चित्रकूट से जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की तरफ से हमेशा कुछ मांगे उठती आई है। मैं भी उनके वीडियोस देखती हूँ। पहली मांग उनकी ये है कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। क्या आपको ऐसा लगता है, क्या ये होना चाहिए और क्या ये प्रैक्टिकल है हमारे देश में, क्योंकि भारत की हमेशा एक धर्म निरपेक्ष वाली छवि रही। देखिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य बड़े विद्वान मनीषी हैं और बहुत ही मैं उनका सम्मान करता हूँ, और वो तो मोदी जी के बड़े करीब हैं, तो उनकी मांग पर मोदी जी को विचार करना चाहिए। क्या ऐसा मुमकिन है ये तो मोदी जी बताएंगे। ये तो रामभद्राचार्य जी से आप पूछिए कि उनकी मांग अनुचित है उचित, और अगर उचित है तो देश की सरकार को पूरा करना चाहिए। संत समाज हिंदू राष्ट्र को लेकर जो बागेश्वर धाम ने और अलग अलग लोगों ने, जो संतों ने जो एक अभियान छेड़ा हुआ है, उसको लेकर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है, क्या ये प्रैक्टिकल है जो देश का संत समाज इसको लेकर जो अभियान कर रहा है। नहीं, बागेश्वर धाम जी को पहले तो ये मोहन भागवत जी से पूछना चाहिए। मोहन भागवत जी कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र है, तो बागेश्वर वाले अपने धीरेन जी शास्त्री कहते हैं कि होना चाहिए, दोनों में से कौन गलत है। लेकिन पासपोर्ट देखिए ना, अब इंडिया का पासपोर्ट देखेंगे, उसमें एक अगर रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मेरा सवाल, आप मेरे सवाल को आप इधर उधर मत ले जाइएगा। धीरेन शास्त्री जी मोहन भागवत जी से पूछें, यदि मोहन भागवत जी कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान में पैदा होने वाले सब हिंदू हैं, तो हिंदू राष्ट्र है, तो फिर धीरेन्द्र का डीएनए भी। अरे भाई, पहले एक सवाल का जवाब तो आने दो जी। तो या तो धीरेन्द्र शास्त्री जी गलत मांग कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, जब है तो हम मांग क्यों कर रहे हैं। और अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बात कह रहे हैं कि होना चाहिए, तो फिर मोहन भागवत जी क्यों कह रहे हैं कि ये है। नहीं, वो कह रहे हैं आप इसे घोषित कीजिए, ऐलान कीजिए ना। तो कौन करेगा? मैं करूंगा। नहीं, आपको लगता है कि प्रैक्टिकल है? मैं करूंगा, घोषित कर दो ना। नरेंद्र मोदी जी से कहो घोषित कर दें, मोहन भागवत जी नरेंद्र मोदी को बोले, मोदी जी को बोले, धीरेन्द्र शास्त्री जी बोले। चलिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आपसे जानना चाहूंगी। भारत की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, पॉपुलेशन कंट्रोल भी लाना चाहिए। एक लाइन का उत्तर है, लेकिन उसके पीछे जो विरोध होता है कांग्रेस की तरफ से, एक खास समुदाय की तरफ से। कौन सा ऐसा फैसला है जिसका विरोध नहीं हुआ आज तक? विरोध तो भगवान राम का भी हुआ, भगवान कृष्ण का भी हुआ, पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब का भी हुआ। विरोध किसका नहीं होता? इंदिरा जी का भी विरोध था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का विरोध था, राजीव गांधी का विरोध था, मोदी जी का विरोध है। विरोध से डर के फैसला लेना थोड़ी छोड़ती हैं सरकारें। पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, बढ़ती हुई जनसंख्या देश पे एक बहुत बड़ा, देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। चलिए अजय जी, मैं जाते जाते बस आपसे, आपके सामने कुछ हस्तियों के नाम रखूंगी और कुछ लोगों के नाम, आपके मन में उनको लेकर जो भी आप सोचते हैं व्यक्तिगत तौर पे, आपको बस उन्हें एक वर्ड में डिफाइन करना है, ठीक है? सबसे पहला नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश के प्रधानमंत्री हैं? नहीं, जो आपके माइंड में उनको लेकर जो भी आता है वर्ड, जो उनके व्यक्तित्व को, उनको लेकर जो उनको डिफाइन करे। मैं कहता रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री हैं राहुल गांधी जी, बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के। राम मंदिर हमारा सौभाग्य है। ममता बनर्जी, फायर ब्रांड। केजरीवाल, उनका उज्जवल भविष्य है। योगी आदित्यनाथ, जिद्दी हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव, देश की जनता जिसे चाहेगी उसे जिताएगी। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, एक शरीफ आदमी हूँ, बड़ा सीधा सा, और सबको प्रेम करता हूँ। जो लोग मुझे गाली देते हैं, मैं उनके भी कल्याण की कामना करता हूँ। जाते जाते बस आपसे एक आखिरी सवाल, जो मेरे काफ़ी दर्शक, मैं उस पर वीडियोस भी बनाती हूँ और लोग भी बहुत कमेंट्स करते हैं उस पर, आपके भी मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं, तो जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी जी को एज ए पीएम देखा जा रहा है भविष्य का, व्यक्तिगत राय आपकी। देश का कोई साधु देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो मैं तो खुश होऊंगा, लेकिन वो किस पार्टी से बने ये अलग विषय है। चलिए, यहाँ आपने खेल लिया। चलिए, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।